राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी को घेरा है। हमीरपुर में प्रेम कौशल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि झूठ का पुलिंदा बनाकर बीजेपी नेताओं ने राफेल मामले में सारे प्रयास किए हैं लेकिन सफल नहीं हो सके हैं। कौशल ने कहा कि राफेल में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जिसका जल्द पर्दाफाश होगा और बीजेपी बेनकाब होगी। प्रेम कौशल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस फैसले से साफ हो गया है कि राहुल गांधी बार बार कहते थे कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ लेकिन बीजेपी मानती नहीं थी और अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सब कुछ साफ हुआ है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से चौकीदार चोर साबित हुआ है और बीजेपी की किरकिरी हुई है। उन्होंने कहा कि इस केस की दोबारा सुनवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। जिला बिलासपुर का जिला स्तरीय घुमारवीं ग्रीष्मोत्सव मेला बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि रिटायर्ड भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी राजेंद्र सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मेले में जहां पर रात के सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे, वहीं पर कुश्ती प्रतियोगिता में भी लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। कुश्ती प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में कांगड़ा के सोनू व संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया और 36,000 रुपए की नकद इनाम राशि व दोनों को गुर्ज प्रदान किया गया, जबकि रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पंजाबी गायक शिवजोत ने खूब धमाल मचाया और पंजाबी गाने सुनाकर लोगों का खूब मनोरंजन किया। कुल मिलाकर रात की सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हर रंग देखने को मिला और घुमारवीं का 5 दिवसीय ग्रीष्मोत्सव मेला बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने कांग्रेस के कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी पवन काजल पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पवन काजल बताए कि वो किसके चेले थे और नूरपुर दौरे के दौरान उनके दिए गए बयान जिसमें गुरु के बाद अब चेला नहीं चलेगा किसके बारे में कहा गया है। उन्होंने पूछा कि पहले पवन काजल बताए कि वो किसके चेले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी शांता कुमार के आशीर्वाद से ही भाजपा समर्थन के बाद 2 बार जिला परिषद जीते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा से टिकट ना मिलने के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, इसलिए वे कोई भी बयान देने से पहले अपने आप में झांकें कि वो किसका प्रोडक्ट हैं। उन्होंने कहा कि पवन काजल के पास भाजपा से टिकट नहीं मिला था तो उन्होंने विधायक के रूप में कांग्रेस का दामन थामा था और आज वो कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि पवन काजल को यह नहीं पता कि अगर वो अपनी जमानत भी बचा पाएंगे कि नहीं। पाउंटा साहिब क्षेत्र के धौलाकुआं में एक स्टील प्लांट से निकलने वाला धुआं लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का मानना है कि फैक्ट्री से रोज कई बार खतरनाक धुआं निकलता है जिसकी वजह से क्षेत्र के लोगों में कई तरह के त्वचा रोग फैल रहे हैं। हालांकि उद्योग दिन दहाड़े सरेआम जहरीला धुआं उगलता है, बावजूद इसके उद्योग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
धौलाकुआं क्षेत्र में दिन रात प्रदूषण उगलता ये प्लांट कितने ही लोगों को मौत की नींद सुला चुका है और ना जाने कितने लोग बेहद गंभीर त्वचा रोगों से जूझ रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि कई परिवार प्रदूषण के चलते इस क्षेत्र से अपना घरवार और जमीन छोड़कर अन्य जगहों पर चले गए हैं, जबकि कुछ परिवार हालात न सुधरने पर जल्द ही यहाँ से पलायन कर जाएंगे। देश और प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बेहद कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन बैली आयरन स्टील प्लांट को लेकर लगता नहीं कि इन उद्योगपतियों के खिलाफ कोई कानून प्रभावी है। अधिकारी क्या, राजनेता क्या, सबके दर पर शिकायत पहुंची है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक सिर्फ लीतापोती ही हो रही है। हैरानी की बात है कि यहाँ ये हालात पिछले कई दशकों से बने हुए हैं, लेकिन सुधार के नाम पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। बैली आयरन स्टील प्लांट की कहानी स्वयं तस्वीरें बयां कर रही हैं। लोग अपनी दास्तां कैमरे के सामने बयां कर रहे हैं और प्रदूषण के लिए जख्म भी किसी से छुपा नहीं है। बावजूद इसके प्रदूषण रोकने के लिए जिम्मेदार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी बेहद बचकाना दलीलें दे रहे हैं। सोलन में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर अभिभावकों के आंदोलन का असर दिखने लगा है। यही कारण है कि शिक्षा विभाग ने उच्च अधिकारी अब अपने कार्यालयों से बाहर निकलने पर मजबूर हैं और अब वे परिजनों को ये विश्वास दिला रहे हैं कि उन पर किसी भी तरह की जाति नहीं होने दी जाएगी। वहीं उन्होंने स्कूलों के प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे अपनी कार्यप्रणाली ठीक करें, नहीं तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन योगेंद्र ने बताया कि उन्हें उच्च अधिकारियों से निर्देश मिले हैं कि 22 अप्रैल से पहले जिला के सभी निजी स्कूलों का निरीक्षण किया जाए और उनसे फीस संबंधित रिकॉर्ड चेक किया जाए। अगर किसी भी तरह से कोई अनियमितता पाई जाती है तो उन स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 स्कूलों में दबिश दी थी, लेकिन जहां से उन्हें कुछ जानकारी हासिल हुई है, लेकिन प्रिंसिपल ना होने की वजह से पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई।